बेहद माड़ा वर्तावा औरतों ना हो रहे बलात्कार रेप ते बहुत सारे लोगों के व्यू बहुत सारे लोगों के विचार बहुत सारे लोगों का प्रोटेस्ट आ रहा है ये उत्ते वखरा वखरा इसनों मैं तीन हिस्सा च बनता पहला हिस्सा है उस शासित वर्ग जिहड़ा इत्थे राज कर रहा है अज कर रहा दूजा वर्ग हैगा धर्म गुरु चलो समाज की गल मैं एंड से जाके करूँगा कि जिहड़े धर्म गुरु ने असीं अज वेख रहे हैं ये भी किसी प्रूफ की लोड़ नहीं है एक प्रूफ देने की लोड़ नहीं है असीं देख रहे हैं वो संदेश देने वाले लोग नैतिकता का संदेश देने वाले लोग धर्म गुरु लोग अज किन्ने कु जेलों च बैठे है तो किन्ने के केस चल रहे और बहुत पुराना आगू आ तो वह कि बयान पढ़िया कुछ पत्रकार ने सवाल किया भी यार औरतों रेप हो रहे हैं औरतों घटनावान वापर रहे हैं जो नौजवान औरतों जो गलत कर रहे हैं वो बयान पता की कहता ये तो क्या होता है कुछ नहीं है कहते ये छोटी मोटी बातें हैं तो जी महसूस किसी की है कि औरतों को भोगो इंजॉय करो मस्ती मारो तो छो ये जीव सोच अज तो 200-300 साल पहला दी सी पर अज भी साढ़े समाज के बराबर पन पई है ये चीज़ सू मर्द के उत्ते भी लागू करनी पैनिया जो सा पग का वास्ता धीर दे पग का वास्ता सू पुत में भी देना पड़ेगा तर्कशील टीवी वेख रहे सारे दर्शकों नमस्कार दोस्तों अब आप गल कर लगे तो बेहद ही संवेदनशील मुद्दे के उत्ते और संवेदनशील मुद्दा है समाज वापर रहा एक बेहद माड़ा वर्तावा औरतों ना हो रहे बलात्कार रेप पिछले कई दिनों तो मैं ये उत्ते वेख रहा है भी ये काफ़ी कुछ मुद्दा ढकया हुआ है तो बहुत सारे लोगों के व्यू बहुत सारे लोगों के विचार बहुत सारे लोगों का प्रोटेस्ट आ रहा है ये उत्ते वखरा वखरा कोई कहता जी जो बलात्कारी है इन्हों मतलब फांसी होनी चाहिए है कोई कुछ कह रहा कोई कुछ कह रहा दोस्तों आप जो गल कर लगे मैं दो तीन मुद्दे की गल करना भी जोड़ा ये समाज है इसनों मैं तीन हिस्सों बनता पहला हिस्सा है उस शासित वर्ग जोड़ा इतने राज कर रहा है अज कर रहा अज तो सदियों पहला भी कर रहा है कोई गल आप अज के संदर्भ करा ये सारा कुछ पहला भी वापरता सी वो शासक वर्ग जिदी जिम्मेदारी बनती है हर नागरिक की सुरक्षा करनी तो औरत भी एक नागरिक है वो सुरक्षा करनी भी उस शासक वर्ग की उस प्रशासन की जिम्मेवारी है दूजा वर्ग हैगा धर्म गुरु इत्थे मैं गल विशेष तौर पर कहनी चाहता भी मेरी गल नूं किसी धर्म नाल ना जोड़ लेना तो मैं किसी गल धर्म की नहीं गल करता धर्म गुरुआ की गल करता कि जिहड़े वह संदेश दिंदे ने जिन्हां तों लोग सीध लैंदे ने तीजे नंबर ते आउंदा साडा समाज जिहदे विच सारा कुछ वापर रहा है हुण आपां पहले एंगल तों गल लैंदे आ पहला एंगल आ गया शासक वर्ग जिहदी जिम्मेवारी है हर नागरिक नूं सुरक्षा देना उसकी सुरक्षा देनी जिम्मेवारी औरतों में भी है पर हो की रहे वापर की रहे गल करूँ अज के मौजूदा समय के पर ये नाल पिछला हो 1947 तो बाद साढ़े भारत की अखौती आजादी तो बाद जो सिस्टम इतने बनया है वो जिन्या भी सरकार आईया किसी रंग दिया सरकार आईया किसी पार्टी की सरकार आईया हर
जगह ही कुछ वापरता रहा है, हर समय वापरता रहा है, पर अज कुछ होर ज़्यादा वापर रहा है तो इस ज़्यादा सपोर्ट भी मिल रही है। अज का मौजूदा सिस्टम मौजूदा सरकार ने एक नारा लाया सी बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ कि बेटी बची हुई है नहीं है। चलो समाज की गल मैं एंड से जाकर करूँगा, सब तो पहले शासक वर्ग की गल करता है, तुसी बेटियां वो किया बेटियां तो तुहाडे तो भी सुरक्षित नहीं है, किन्ने कांड हुए पिछे जो ठीक है, किन्नियां बच्चियां नाल बलात्कार हुए कठुआ कांड किसी ने भुलिया नहीं गया, यूपी में कांड हुआ किसी ने भुलिया नहीं गया, एक होर असीं तो पढ़न देखा सीगा देखा गया अखबारों में पढ़िया सुरखियाँ बड़ा होर पढ़िया गया कि एक कोई बच्ची हैगी पता नहीं यूनिवर्सिटी या कॉलेज पता नहीं कितने पढ़ती सी वो बच्ची तो वो अज के शासक वर्ग के किसी वे बंद आप किसी कहने मंत्री उन्हें वह संबंध बनाए जो पर्दाफाश किया उल्टा चक के उस बच्ची भी वो फसा दिता गया उस बच्ची जेल करा दी गई। कठुआ कांड के भी सारी इस भारत ने कि पूरी दुनिया ने देखा भी की होया उ एक 8-9 साल की बच्ची का रेप होंगे। दूजे नंबर पर आ धर्म गुरु, मैं तुम पहले कह चुके हैं कि मेरी गल में किसी धर्म ना जोड़ना क्योंकि धर्म का फलसफा एक मतलब वो तकरीबन यह जहाँ फलसफा चंगा फलसफा है वो होर है, पर उस फलसफे ने अगे लोगों तक लैके कौन जाता जो धर्म गुरु ने चाहे वह किसी मतलब किसी भी स्थान पर बैठे ने किसी भी जगह पर बैठे ने तो किसी भी प्रकार का प्रचार करते हैं तो उस प्रचार तो लोग प्रभावित होंगे उन्होंने गल में लोग मानते हैं। मैं इतने एक गल कहनी चाहना कि मैं बार बार तुम्हें यह गल कहना कि मेरे बहुत सारे देशों विदेशों के जोड़े है लोगों का संबंध ने मेरे मोबाइल नंबर ने उन्होंने गलबात होती रहती है। वो पिछले जी 3-4 दिन हो गए एक किसी इस तरह के दोस्त का फोन आया कि मेरी वीडियो देख के उन्हें गलबात की, वो बंदा लम्मा समा धर्म नाल जुड़े रहा किसी मतलब होर स्थान नाल भी ऐ गल मैं पंजाबी कहना डेरे नाल जुड़े रहा होर स्थान जुड़े रहा उन्हें जी गल बड़ी लंबी छोटी गलबात हुई मेरी सी घंटा सवा घंटा गल हुई तो उन्हें जी गल दसी वो कहता यार सानू कहते सिख दी गई सी भी तुसी मतलब जोड़ा है हर लड़की औरत धी भैन के रूप से कहना भी देखना है किसी औरत वाल माड़ी निगाह नाल नहीं झकना तो उदा निगाह नाल नहीं झकना। वो कहता मैं कहता मैं अपनी जिंदगी से कहता यही गल इन्नी अपना ली कहता मैं बाजार से भी जाता सीना तो कहता मैं नीवी पा के सो करता भी औरतों वाल कहता मैं झाकता रहता से और कमाल की गल कि उस बंद ने मैरिज भी नहीं करवाई कहता मैं ब्याह नहीं कराया तो मैं किसी औरत वाल कहना झाक जा नहीं पर कहता जो मैं हकीकत पता लग्या यार मैं दसन वाले बंदे ये आप की करी जाते कहता मेरा मन टुट गया चाह टुट गया तो कहता मैं फिर उस बेमुख हो गया। चलो वो जी विचार चाचा मेरे गलबात की बंदे क्योंकि बंद डावाडोल हो गया वो लिपस धर्म गुरुआ तो और धर्म गुरु ने जो संदेश दते उस तो काफ़ी गल् पता छड़िया हुई तो वो निचोड़ ही निकलता है कि जोड़े धर्म गुरु ने असी अच्छ वेख रहे हैं ये भी किसी प्रूफ की लोड़ नहीं है एक प्रूफ देने की लोड़ नहीं है असं देख रहे हैं वो संदेश देने वाले लोग नैतिकता संदेश देने वाले लोग धर्म गुरु लोग अज किन्ने क जेलों च बैठे है तो किन्ने के केस चल रहे वो सारा कुछ इस चल रहा है केस भी इसे बने हैं तो जेलों के इस कारण ही गए हैं रेपा के केसा के बैठे ने लंबी सजा उन्होंने हुई ने फिर समाज ने और इस जोड़ा है औरतों होने दुर्दशा का
ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਕੀ ਉਪਰਾਲਾ ਹੋਊਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਉਮੀਦ ਸੀ, ਬੜੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਪਤ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਦੋ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਗਏ। ਤੀਜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਮਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਬਿਲਕਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਯਾਰ ਬਲਾਤਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਰੇਪ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਯਾਰ ਦੋ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 60-70 ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਤੱਕ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਮਰ ਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੁਛ ਵੀ ਵਾਪਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਅੱਜ ਦੁਪਹਿਰੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਇੱਕ ਟੀ ਵੀ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਕਿਸੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤੋਂ ਹੋਰ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਇੱਕ ਦਾਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਪੋਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਅਕਸਰ ਹੀ ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ, ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੋਰ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਬਾਪ ਨੇ ਬੇਟੀ ਨਾਲ ਰੇਪ ਕੀਤਾ, ਭਰਾ ਨੇ ਭੈਣ ਨਾਲ ਰੇਪ ਕੀਤਾ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਦਾਦੇ ਇੱਕ ਦਾਦੇ ਨੇ ਇੱਕ 9-10 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਪੋਤੀ ਨਾਲ ਰੇਪ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ? ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਸ਼ਾਸਕ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਇਹ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਕਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੇਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਉਹਦਾ ਆਗੂ ਸੀਗਾ ਕਿਸੇ ਸਟੇਟ ਦਾ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਆਗੂ ਆ। ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ, ਕੁਛ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਵੀ ਯਾਰ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਰੇਪ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਗਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਬਿਆਨ ਪਤਾ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਤੋਂ ਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਬਾਤਾਂ ਹੈ, ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ, ਮਸਤੀ ਮੈਂ ਆ ਗਏ, ਕੁਛ ਕਰ ਦਿਆ ਤੋ ਕਿਆ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਹਨੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਤਮਾਸ਼ਾ, ਇੱਕ ਖੇਡ, ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਮਾੜੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰ ਗਈ। ਪਰ ਉਸ ਮਹਾਸ਼ਾ ਦਾ ਬਿਆਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ ਉਹ ਜਾਤਾ ਉਹ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਉੱਤਰ ਲਿਆ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਮਹੱਤਵ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਕਿਸੇ ਲੜਕੀ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਬੱਚੀ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ਾਸਕ ਵਰਗ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਮਹੱਤਵ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਕਰਦੇ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੇ ਤੋ ਹਮ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੋਕ ਹੈ, ਇਨਕਾ ਖੂਨ ਉਬਾਲੇ ਖਾ ਜਾਂਦਾ। ਯਾਰ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਉਬਾਲੇ ਖਾਂਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਨੇ ਉਬਾਲੇ ਖਾਂਦਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਹੀ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣ ਆਈਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਹਲਕੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲੈ ਰਹੇ। ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀ ਸੀ ਸਮਾਜ ਦੀ, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਇਹ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਬਾਪ ਵੱਲੋਂ ਬੇਟੀ ਨਾਲ, ਭਰਾ ਵੱਲੋਂ ਭੈਣ ਨਾਲ, ਦਾਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਾਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੋਤੀ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹਨੂੰ ਕੌਣ ਰੋਕੂ? ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਨਿਚੋੜ ਕੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤਿੰਨ ਵਰਗ, ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤਿੰਨ ਵਰਗ ਨੇ, ਸ਼ਾਸਕ ਵਰਗ, ਧਰਮ ਗੁਰੂ ਅਤੇ ਸਮਾਜ, ਤਿੰਨੇ ਇਸ ਰੇਪ ਕਾਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ, ਪਰ ਕਰਦੇ ਕੀ ਨੇ ਕਿ ਦੋਸ਼ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਮੁੜੀ ਜਾਂਦੇ, ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਕ ਵਰਗ ਦੇ ਮੁੜੀ ਜਾਂਦੇ, ਜੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਪੁਜਾਰੀ ਵਰਗ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆ ਆਪਣਾ, ਸੋਰੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਤਲਬ ਧਰਮ ਗੁਰੂ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਕਰਦਾ, ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੋਸ਼ ਮੁੜੀ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਦੋਸ਼ੀ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਵਰਗ ਨੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ ਇੱਕ ਜਗੀਰੂ ਸੋਚ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਗੀਰੂ ਸੋਚ ਕੀ ਸੀਗੀ ਵੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਭੋਗੋ, ਇੰਜੋਏ ਕਰੋ, ਮਸਤੀ ਮਾਰੋ ਅਤੇ ਛੱਡੋ। ਇਹ ਜਗੀਰੂ ਸੋਚ ਅੱਜ ਤੋਂ 200-300 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਪਣ
पई है तो जिन्ना चर जगीरू सोच पी है ना साढ़े समाज में औरत के प्रति उन्ना चर इतने कुछ भी है चंगा होने वाला नहीं है रेव रुकने वाले नहीं है। फिर इतने सवाल खड़ा होंगे फिर यह हल की है तो दोस्तों इतने हल यह है जी मैं समाज की गल की है ये कि पूरे तो पूरा समाज भी बलात्कार फसया हुआ नहीं है कुछ हिस्सा थोड़ा हिस्सा है जिंद यह मानसिकता है जिंद यह सोच है जगीरू सोच में कह लें पर बहुत बड़ा हिस्सा समाज का है जिहड़ा इस दे प्रति संजीदा है इस प्रति इनू मतलब कुछ करना चाहता है। हुण इहदा हल की है इन्हां घटनावां नूं रोकिया किवें जा सकदा है तो इन्हां दी जिहड़ी मेरी समझ है मेरी सोच है तुसीं मैथों वी वध बुद्धिजीवी हो मैं कि इहदे विच तुहानूं गल कहणी चाहुंगा दोस्तों कि आपां नूं शायद हैगा आपां इहो जिहा कुछ सिस्टम करिए यह जहाँ कंपेन चलाइए यह जहाँ कुछ चलाइए आप मुहिम चलाइए जिदे आप चंगा सिर चंकी है तो वह मैं अपनी सोच अनुसार दस रहा थानू कि समाज का वो जो हिस्सा जिसे मैं कहता भी बाप बेटी बलात्कार करता है भरा भैन ना करता या दादा पोती ना करता है वह समाज का छोटा थोड़ा जहा हिस्सा बड़ा हिस्सा समाज का वधिया मतलब जोड़ा है सोचते रखता उही वड्डा हिस्सा है जिहड़ा इस प्रति आवाज़ उठा रहा है तो उहदे लई सानूं करना की पऊगा सानूं एक जिहड़ी नैतिकता की गल करदे आ आपां उह नैतिकता वाला जिहड़ा हैगा कम हैगा उह सानूं साडे समाज सजना पऊगा पहलां समाज दे विच ते उस तों अगे जा के जिहड़ा हैगा उह शासक वर्ग दे विच पैदा करना पऊगा सानू सोचना पऊगा कि जिहड़ा साढ़े इलाके दे विच जिहनूं असीं चुन रहे हैं जिहतों असीं बहुत वड्डियां उम्मीदां लैके उहनूं असीं राजा बना रहे हैं कि उह बंदा साफ सुथरा है कि उहदे औरतां दे प्रति उहदी जिहड़ी सोच है उह वधिया सोच है नंबर एक। नंबर दो कि समाज दे उस वड्डे हिस्से नूं जिहड़ा कि बहुत ही वधिया संजीदा हैगा वो एक मुहिम चलानी पैनी है लगातार ये महीना भी दिन या साल छह महीने नहीं चलनी है यह लंबी मुहिम चलानी पैनी है। एक नैतिकता का वह आधार सिरजना पूगा सानू इतने मैं उदाहरण देना चाहना है साढ़े समाज की सोच की है मन लो साडा मुंडा मेरा मैं अपनी अपने तो गल लैना है मेरा मुंडा किसी कुड़ी नाल कुछ गलत करता है मैं की कहूँगा वो यार कुछ नहीं होंगे यह मुंडे खुंडे है इंजॉय करते फिर क्यों हो गया मुंडे खुंडे हूँ इस उम्र से ना करूँगा फिर कदों करूँगा आ चीज़ सब इतों खोपड़ी चो कटनी पेगी जिहड़ी मर्यादा का पाठ असी अपनी धी पढ़ाने हैं जिहड़ी पग का वास्ता यह पग का वास्ता असी अपनी धी दें वो पग का वास्ता सानू अपने पुत नूं भी देना पेगा वह मर्यादा सानू अपने पुत नूं भी दसनी पेगी कि बेटा आ गलत काम ना कर दी मेरी पग का सवाल है क्योंकि पग कभी धी दे सिर ते नहीं है यह पुत दे सिर ते भी है पर साडे समाज ने पता की है ये पग का मसला जिहड़ा सिर्फ धी दे सिर ते बना दो जे धी ने मतलब कोई इहो जिहा स्टैप चक लिया साडी पग साडी पग रोल गई है पग का असीं मसला बना लिया पर पुत बारे नहीं बनाया सी पुत बारे असीं की कहता ये तो मुंडे खुंडे इंजॉय करते होंगे ये बदलना पेगा ये सोच बदलनी पेगी ये सिक्ख्या जी हुई है धी तो पुत नूं बराबर देनी पेगी पुत यह जहा काम ना कर दी बेटा मुंडे भी आ मेरी पग नूं दाग लग जाए फिर ये समाज का सुधार होगा ये बराबर का कंसैप्ट सिद्धना पेगा दोस्तों जिन्नी कि मेरी अपनी समझ हैगी है मैं कोई बहुत बड़ा ग्ञानी महाज्ञानी नहीं है आम साधारण बंदा थोड़े वर्ग है पर तुसी मेरे तो बहुत बड़े बुद्धिजीवी बैठे हो तो मेरी सोच अनुसार भी यही चीज़ सजनी पैनी सानू भी जिन्ना कि असी धी नूं मतलब करते हैं जां औरत नूं धी दे विच औरत मतलब औरत दा रह गया जिन्नियां मर्यादा असी औरत उत्ते करदे इन्नियां मर्यादा सानू मर्द दे उत्ते भी लागू करनियां पैणगियां।
चीज़ें सानू मर्द के उत्ते भी लागू करनिया पैनिया। जे साडी पग का वास्ता अभी धीरे नूं देणा तां पग का वास्ता सानू पुत नूं भी देना पऊगा। तो जिद्दे असीं पग का वास्ता पुत नूं दे के असीं इह मर्यादा सिरजण च कामयाब हो गए, उस दिन किसी भी औरत नाल, किसी बच्ची नाल, किसी धी नाल बलात्कार नहीं होंगे। एक समाज का कुछ सिस्टम, एक ढांचा सानू हो जाए, कंसैप्ट हो जाए सिरजना पऊगा बराबर का, कि जो मर्यादावान जो चीज़ें मतलब औरत वास्ते लगने वो सानू मर्द वास्ते भी लागू करनिया पैनिया। तो जिन्ना चर असीं नहीं लागू करते, असीं ये नहीं सोचते कि यह साडा मुंडा है, इन्हें भी जात से रहने की लोड़ है, उसी जात दे विच जिहड़ी जात साडी धी नूं रहने की लोड़ है। जद असीं ये नहीं सोचते उन्ना चिर इत्थे कुछ नहीं बदलना। पहले सानू अपने आप को बदलना पो, साडी ये सोच बदलनी पेगी यार मुंडे खुंडे इंजॉय करते होंगे ने, पहले ये चीज़ को साडे इत्थों खोपड़ी चों कढ़ना पेगा। जे असीं ये चीज़ कढ़ांगे तो फिर जाके ये सिस्टम सुधरना है। बाकी कानून जिहे जी मर्जी बना देना, कुछ बन किसी फांसी दे दो, लत्तां वां बढ़ दो, कुछ बढ़ दो, कुछ नहीं दिखाऊंगा। ये सिर्फ सोच बदलनी पैनी है, साडी सोच बदलनी पैनी है औरत वास्ते, बच्चिया वास्ते। सानू सोच बनानी पैनी है, जो असीं सोच बना लाँगे तो फिर ये सारा कुछ इतों रुक जाएगा। बिना ये सोचा नू, बिना समाज के यह सेहत तो यह रुकने वाला नहीं है। किसी तो उम्मीद करन तो पहला असीं अपने आप को ते अपने तो उम्मीद करिए भी साडा औलाद, खास करके साडे मुंडे यह जो कुछ ना कर। वो सिक्ख्या जी धी नूं दिंदे आ, वो सिक्ख्या सानू पुत नूं देणी, वो चीज़ सानू सिरजनी पैनी है। तो जो असीं उस चीज़ सिरजांगे तो हौली हौली जिहड़ा समाज बदलूगा, तो मेरा ख्याल भी इहदे विचों चंगा आपां नूं रिजल्ट मिलेगा, तो यह चीज़ें रुक जाणिया। जो असीं अपने आप नूं सुधार लिया, समाज नूं सुधार लिया, तो फिर जिहड़े शासक वर्ग है जां मतलब होर वर्ग हैगा, जिहड़ा तीजा मैं कहिंदा वी अपना धर्म गुरु वर्ग हैगा, उन्होंने उत्ते भी सानू एक विशेष ध्यान देने की लोड़ है। और अज मैं इस वीडियो राही, क्योंकि मेरी हर गल तर्थ सोसायटी वालों होंगी है, मैं तर्थ सोसायटी का कारकुन है, मैंबर है, उस एंगल पर मैं गल करता हूँ। जसवीर सोनी अपने आप कुछ नहीं है, जसवीर सोनी एक संस्था है, जसवीर सोनी एक तर्थ सोसायटी है, पर मैं इस विषय उत्ते गल कहना है। सोसायटी के विचार भी ये बच्चे ने, तो उन्होंने सू भी चीज़ विचारनी पैनी है कि जोड़े धर्म गुरु है जिन्होंने जोड़े कि बहुत व्डा इस चीज़ को सिरज सकते हैं, इस चीज़ को सिरज सकते हैं वो लिया, क्योंकि लोग बहुत वोटी वर्त उन्होंने विश्वास करते हैं, उन्होंने मगर लगते हैं, लखा करोड़ों मगर लगने वाले लोग ने, वो सिर चलते हैं। पर जो आप ही जाके जेलों से बहते हैं इन्होंने कामों के जाके सिरजुआ कौन, तो फिर बचा कुछ ही उम्मीद हैगी है समाज के सिर्फ उस तबके तो जोड़ा तबका बहुत वधिया सोचता इस ढंग, ठीक है, जोड़ा तबका संजीदा है, तो उस तबके तो जोड़ी उम्मीद बचती है कि भाई ये बच्चियों के प्रति, औरतों के प्रति हो रहे जुलम, हो रहे रेप, हो रहे सारा कुछ ये सू सजना पैना। तो उदू पहले एक मैं लास्ट के गल करके अपनी गल खत्म करना चाहता कि सानू घर भी औरतों, चाहे साड़ी माँ है, साड़ी भैन है, साड़ी धी है, साड़ी पत्नी है, उन्होंने भी सानू सम्मान देना पड़ेगा, उन्होंने भी जीवन के उन्हें बराबर के हक देने पड़ेंगे, वो इच्छावां का भी पालन करना पड़ेगा। तो जो असीं इस एंगल तो काम करना शुरू कर देवे, सोचना शुरू कर देवे, कोशिशें शुरू कर देवे, तो आने वाले कुछ समय के इन्होंने चीज़ों ठंड पै सकती है। तो बाकी जो तुम किसी होर तो उम्मीद करते हो, कानून सख्त बना दो जी, ये कर दो जी, वो कर दो जी, कुछ नहीं होने वाला, साढ़े उस हिस्से ही अगे आके काम करना पैना। बाकी दोस्तों तुम अपने विचार कमेंट जरूर दो, तो मेरी एक ये सोच हैगी है, जो मेरी एक कोशिश हैगी है, सोसाइटी भी ये खड़ी हैगी है, तो प्लस ये मेरी कुछ होर भी मित्रां नाल, होर भी साढ़े आले दुआले, क्योंकि मेरा दायरा जिहड़ा है बहुत वड्डा है,
मेरे दोस्तों का जो विशाल दायरा है उत्थे मेरी कई दिनों गल चल रही थी विजन से उसे असी हर पद्धर के काम कर सकते हैं। आओ वो लोग अगे आओ जड़े लोग इस चंगा सिरजना चाहते हैं तो इन गलों रोकना चाहते हैं औरतों के हमें जुल्म रोकना चाहते हैं। बाकी तुसी अपनी कमेंट करके बॉक्स के कमेंट करके जरूर अपना विचार देना। मेरा विचार यही है कि ये जो रेप वाली घटनावां ने औरतों के हमें जुल्म ने ये उस समय जाके होंगे कि जिहड़ा संजीदा समाज का हिस्सा हैगा बड़ा हिस्सा है वह जो प्रैक्टिकली आके काम कर लगेगा तो रुकने की संभावना हैगी रुक भी जाएगी। अगे थोड़े की विचार ने जरूर अपने विचार दो। मिलते हैं अगली वीडियो।